हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे, तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे जो भी अभी मैंने डाले हैं। उनकी कैटेगरी यहाँ दी है, आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है, तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोज भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। ये वीडियो हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें अपन देखेंगे लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लैडर लॉजिक डायग्राम। यानी हम किसी भी लॉजिक गेट को लैडर लॉजिक की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेशन बताने से पहले कि हम किसी भी लॉजिक गेट को लैडर लॉजिक की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पहले एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी आपको लैडर लॉजिक डायग्राम का। यानी हम लैडर लॉजिक डायग्राम्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक लैडर लॉजिक डायग्राम का एग्जाम्पल मैंने लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लैडर लॉजिक डायग्राम होते हैं उनमें कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो जो पेयर ऑफ वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं पावर रेल्स। ये हमारे पावर सप्लाई को बताती हैं, यानी हमारे सर्किट में कितनी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो बताते हैं हमारे पावर रेल्स। और इसके साथ साथ इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं रंग। तो एक लैडर डायग्राम में नंबर ऑफ रंग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहेंगे रंग जीरो। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे रंग वन, और भी हो सकती है रंग थ्री, रंग फोर, रंग एन तक। तो इस तरह से ये जो लैडर डायग्राम होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। और जब हम इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल हमारे कन्वेंशनल लैडर की तरह दिखता है, इसीलिए इसको कहते हैं लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। तो ये देखिए, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी ये जो रंग है उनमें हम इनपुट इंस्ट्रक्शन और आउटपुट मैप करते हैं। अब इनपुट इंस्ट्रक्शन हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में मैप करते हैं, और जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं या जो आउटपुट होता है उसको हम शो करते हैं राइट हैंड साइड में। एक रंग में आपके नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इनपुट लगा है और इनपुट को हम NONC कॉन्टैक्ट के फॉर्म में शो करते हैं। अब ये NONC कॉन्टैक्ट क्या होते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट 2 वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आप वहां से देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको आगे दूंगी। तो यहाँ पे हमने एक पुश बटन ली है। पुश बटन की हेल्प से, स्विच की हेल्प से या रिलेस की हेल्प से हम इनपुट शो करते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये इनपुट लिया है मैंने और ये आपका आउटपुट है। आउटपुट हमारे लैंप हो सकते हैं, मोटर हो सकती है, या फिर कोई भी एक्चुएटर हो सकता है जिसमें हम आउटपुट शो करते हैं। तो ये देखिए, ये जो रंग है इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। इसी तरह ये रंग सेकेंड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा इनपुट लगाएंगे, इनपुट इंस्ट्रक्शन देंगे, और राइट हैंड साइड में आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है लैडर प्रोग्रामिंग। इस तरह से हम लैडर प्रोग्रामिंग करते हैं। और जो पीएलसी का प्रोसेसर होता है वो इन प्रोग्राम्स को रीड करता है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। यानी रंग के लेफ्ट से इंस्ट्रक्शन रीड करना स्टार्ट करता है प्रोसेसर, और राइट में जाके उसका आउटपुट हमें देता है।
तो पहले लेफ्ट टू राइट रीड करेगा, फिर दूसरे रंग को रीड करेगा, इस तरह सारे रंग्स को रीड करेगा। और इन इंस्ट्रक्शन को हम ऑल्टर भी कर सकते हैं, यानी इनका जो सीक्वेंस है हम ऑल्टर भी कर सकते हैं जंप इंस्ट्रक्शन और सब रूटीन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। अब मैं आपको बताती हूँ ये NONC कॉन्टेक्ट क्या होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में, क्योंकि लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम इनपुट NONC कॉन्टेक्ट के फॉर्म में ही देते हैं। NO मतलब होता है नॉर्मली ओपन और NC मतलब होता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारे NO कॉन्टेक्ट। इस तरह से हम नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट या NO कॉन्टेक्ट को शो करते हैं। इसका सिंबल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे कैपेसिटर का सिंबल होता है। तो NO कॉन्टेक्ट को इस तरह शो करते हैं और NC कॉन्टेक्ट यानी नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट को हम इस तरह से शो करते हैं, यानी पहले NO कॉन्टेक्ट बनाया और एक डायगोनल लाइन उसमें खींच दी, तो ये कहलाते हैं NC कॉन्टेक्ट। अब ये NO कॉन्टेक्ट क्या है, NC कॉन्टेक्ट क्या है, तो जैसा कि आप जानते होंगे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे कि PLC में हम इनपुट अप्लाई करते हैं या इनपुट देते हैं स्विचेस के फॉर्म में या फिर पुश बटन के फॉर्म में। तो अगर आपकी ये पुश बटन ओपन है तो इसे हम कहेंगे NO कॉन्टेक्ट यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, और इस तरह से लैडर डायग्राम में उसको हम शो करेंगे। यानी अगर पुश बटन ओपन है इसका मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, हमारी वो बटन जो है वो ओपन है, ठीक है। अगर हमारी NC कॉन्टेक्ट है यानी ये पुश बटन क्लोज है, ये क्लोज है तो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक क्लोज पाथ हमें मिलेगा जिससे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, तो ये कहलाते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। हम NO कॉन्टेक्ट को NC कॉन्टेक्ट में चेंज कर सकते हैं अगर हम इस पुश बटन को प्रेस करें या फोर्स अप्लाई करें तो NO कॉन्टेक्ट NC कॉन्टेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जो भी हमारे PLC में इनपुट होते हैं उनको हम NO और NC कॉन्टेक्ट के फॉर्म में देते हैं। NO कॉन्टेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर सिंबल से और NC कॉन्टेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर सिंबल में एक डायगोनल लाइन खींच के। तो ये NO कॉन्टेक्ट हो गए नॉर्मली ओपन और ये हो गए नॉर्मली क्लोज। अब ये NONC क्या होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनपुट को हम पुश बटन या स्विचेस के फॉर्म में देते हैं, तो अगर ये आपकी एक पुश बटन है और ये ओपन है तो ये कहलाएंगे हमारे NO पुश बटन यानी NO कॉन्टेक्ट। इस टाइप के कॉन्टेक्ट में इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता और करेंट फ्लो नहीं होती। दूसरे कहलाते हैं NC कॉन्टेक्ट। अगर ये पुश बटन आपकी क्लोज है तो इसे हम कहेंगे नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट और इसमें इनपुट आउटपुट के बीच में कनेक्शन होगा और करंट फ्लो होगा। तो हम NO को NC कॉन्टेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी पुश बटन ओपन है तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके आप इसको क्लोज करिए और यहाँ पे आप देखोगे कि NO कॉन्टेक्ट NC कॉन्टेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होते हैं उसको हम कैपेसिटर सिंबल से शो करते हैं और एलन ब्रेडले इसको कहते हैं XIC, इट मींस एग्जामिन इफ क्लोज्ड। दूसरे होते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट को दो टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल हो गया और एक ये सिंबल हो गया, यानी जो कैपेसिटर है सिंबल है उसके डायगोनल लाइन एक खिंची हो तो वो कहलाते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। और जो एलन ब्रेडले थे वो इसको कहते हैं XIO यानी एग्जामिन इफ ओपन। ये जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ, अगर MCQ क्वेश्चंस आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एलन ब्रेडले NO कॉन्टेक्ट को क्या कहते हैं, तो XIO कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड है आउटपुट और क्वाइट। जो हमारे आउटपुट एनर्जाइज होते हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इस फॉर्म में या फिर इस तरह से। तो एलन ब्रेडले इन्हें कहते हैं OTE यानी आउटपुट एनर्जाइज। फिर से एक बार बताती हूँ कि अगर कोई
कॉइल है या कोई आउटपुट है जो एनर्जाइज है, तो उसको हम इस तरीके से शो करेंगे। ये दो तरीके होते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से। तो एलन ब्रेडले इसे कहते हैं ओटीई, यानी आउटपुट एनर्जाइज। अगर हमारा आउटपुट डी एनर्जाइज है तो हम उसको इस तरीके से शो करेंगे, तो ये कहलाएगा आउटपुट डी एनर्जाइज। अब अपन देखते हैं लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लैडर लॉजिक डायग्राम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लैडर लॉजिक डायग्राम होते हैं वो बेसिकली बूलियन लॉजिक ऑपरेशन पे बेस्ड होते हैं। तो बूलियन लॉजिक ऑपरेशन हमारे क्या कहलाते हैं, उनके लॉजिक क्या होते हैं, एंड और नॉट, ये हमारे कुछ बेसिक गेट होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बूलियन लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे एंड लॉजिक गेट। एंड आपको मालूम होगा ये एंड गेट का सिंबल है, टू इनपुट एंड गेट, यानी इसमें दो इनपुट हैं ए और बी, तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी। तो ये एंड गेट का लॉजिक सिंबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो एंड गेट का ट्रुथ टेबल होता है वो हमें पता है क्या होता है, अगर दोनों इनपुट जीरो हैं तो हमें आउटपुट जीरो मिलेगा, अगर एक इनपुट जीरो है दूसरा इनपुट वन है तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी है तो जीरो मिलेगा। फिर से अगर एक इनपुट वन है दूसरा जीरो है तो भी आउटपुट जीरो मिलेगा, जब तक दोनों इनपुट वन नहीं हो जाते हमें आउटपुट वन नहीं मिलता। अब लास्ट केस में दोनों इनपुट अगर वन है तो आउटपुट वन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन का मतलब होता है बूलियन एलजेब्रा में ट्रू। तो अगर इस लॉजिक को हमको लैडर लॉजिक में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया कि लैडर लॉजिक कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो सबसे पहले हम दो वर्टिकल लाइन लेंगे, ये हमारी बताती है पावर रेल। उसके बाद हम रंग क्रिएट करेंगे, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे जिसमें हम इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन शो करते हैं। अब इनपुट इंस्ट्रक्शन हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और आउटपुट इंस्ट्रक्शन हम राइट साइड में लिखते हैं। तो ये आपके इनपुट इंस्ट्रक्शन हो गए लेफ्ट में और ये हमारा आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो गया राइट साइड में। इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे पुश बटन का यूज किया है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो दो इनपुट है हमारे, इनपुट वन और इनपुट टू, या आप ए और बी भी कह सकते हो। तो अगर ये इनपुट वन है और ये इनपुट टू है तो हमें मालूम है कि जब दोनों इनपुट वन होंगे तभी आउटपुट वन मिलेगा, अदरवाइज जीरो मिलेगा। तो इधर पे एंड गेट में हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे दोनों इनपुट को। तो जब ये दोनों इनपुट क्लोज होंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और हमारा ये जो आउटपुट है जिसको हमने लैंप से शो किया है वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा एंड गेट का लॉजिक। एंड गेट के लैडर डायग्राम में दोनों इनपुट हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं आउटपुट के साथ। नेक्स्ट लॉजिक है हमारा ऑर गेट। ऑर गेट हमारा ये टू इनपुट ऑर गेट है, इसमें दो इनपुट है, इनपुट वन टू, ये ऑर लॉजिक है, यहाँ पे हमें मिलेगा आउटपुट। ऑर का आउटपुट आपको मालूम है क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी अगर एक भी इनपुट वन है तो हमें आउटपुट वन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रुथ टेबल दिया है, जीरो जीरो, दोनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो, अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन मिलेगा। तो जीरो वन आउटपुट वन, वन जीरो आउटपुट वन, वन वन आउटपुट वन। तो इसको हम कैसे लैडर लॉजिक में क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हमारा एक भी इनपुट टर्न ऑन है तो हमें आउटपुट में जो भी हमारा लैंप लगा है या जो भी हमारी मोटर है वो एनर्जाइज होगी। तो इसीलिए इस लॉजिक को बनाने के लिए हम दोनों इनपुट को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमारे ये फर्स्ट इनपुट ऑन है और सेकंड ऑफ है तो भी हमें एक क्लोज पाथ मिल रहा है और हमारा आउटपुट जो है वो एनर्जाइज हो रहा है। अगर हमारे दोनों इनपुट टर्न ऑन है तो भी हमें क्लोज पाथ मिल रहा है और हमारा आउटपुट एनर्जाइज होगा। तो और गेट का लॉजिक बनाने के लिए हमें दो इनपुट को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट आपको सिंबल पता है, ये नॉट गेट का सिंबल है और नॉट गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है,
जो भी इनपुट होगा उसका रिवर्स हमें आउटपुट मिलता है। यानी अगर जीरो इनपुट होगा तो आउटपुट वन मिलेगा, अगर वन इनपुट होगा तो आउटपुट जीरो मिलेगा। तो उसके लिए ये अगर हमारा एक सर्किट है, यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये पुश बटन है और ये हमारी मोटर है, तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे हम एक इनपुट लगाएंगे रंग में और यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक आउटपुट लगाएंगे और ये हमारा एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट होगा, वो आप लगाओगे, आउटपुट हमें ये मिलेगा। जब भी हम इनपुट जीरो देंगे आउटपुट वन मिलेगा, इनपुट वन देंगे आउटपुट जीरो मिलेगा, तो ये कहलाता है नॉट गेट। तो इस तरीके से हम ये सारे बेसिक गेट्स को लैडर लॉजिक डायग्राम की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इन लॉजिक्स को हम एग्जाम्पल में कैसे लाएंगे, यानी रियल लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल पहले मैंने आपके लिए बनाया है और वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे आप देखिए, ये एक हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो बेसिकली रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगी है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक स्विच लगा है, ये दूसरा स्विच लगा है, दूसरा स्विच सीरीज में लगा है। यहाँ पे ये एक क्वाइल है जिसको हमें एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करना है और ये क्वाइल नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको हमको लैडर लॉजिक में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारे रियल सर्किट है यानी जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी फंक्शनिंग कैसे है। तो जब हमारे दोनों स्विच क्लोज होंगे तब हमारे बैटरी को एक क्लोज पाथ मिलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में और हमारी कॉइल यानी आउटपुट जो है वो एनर्जाइज हो। अगर हमारा एक भी स्विच ओपन है तो यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो पाएगा और हमारी कॉइल एनर्जाइज नहीं हो पाएगी। तो ये कौन सा लॉजिक है? अगर दोनों इनपुट क्लोज हैं, यानी ऑन है, तभी कॉइल एनर्जाइज होगी, अदरवाइज कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी। तो ये हमारा कहलाता है एंड लॉजिक। एंड लॉजिक का ट्रुथ टेबल यही कहता है, अगर दोनों में हम इनपुट जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट जीरो मिलेगा, एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो मिलेगा, दोनों इनपुट हमारे वन है तभी आउटपुट हमें वन मिलता है। यानी दोनों इनपुट का टर्न ऑन होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा एक एंड लॉजिक है, यहाँ पे भी एंड लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लैडर लॉजिक बना सकते हैं एंड लॉजिक का। तो हमने दो वर्टिकल लाइन ली, इसमें हमने एक रंग बनाया यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, इस रंग में हमने इनपुट लगाए और आउटपुट लगाए। मैंने आपको बताया था कि एक रंग में नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एंड गेट के केस में हम दो इनपुट को यानी दो स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप अगर इस सर्किट डायग्राम से भी देखोगे तो दो स्विच हमारे सीरीज में कनेक्ट हैं और उनके सीरीज में ये कॉइल लगी है। तो दो इनपुट हमने लगाए सीरीज में और उनके सीरीज में आउटपुट में राइट हैंड साइड में एक कॉइल लगाई। अब अगर दोनों इनपुट हमारे क्लोज होंगे तभी हमको हमारी जो आउटपुट है वो एनर्जाइज होगा, यानी हमारी कॉइल एनर्जाइज होगी, अदरवाइज हमारी कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी। तो ये बन गया हमारा एक सिंपल लैडर लॉजिक डायग्राम, हमने इस सर्किट डायग्राम को लैडर लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह हम किसी भी रियल सर्किट डायग्राम को बूलियन लॉजिक में कन्वर्ट करके उसका लैडर लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। और जब भी हम लैडर लॉजिक डायग्राम को एंड करते हैं तो ये एंड स्टेटमेंट हमें देना होता है। तो जो भी पीएलसी का प्रोसेसर होता है वो लैडर लॉजिक डायग्राम को रीड करता है लेफ्ट से राइट और टॉप टू बॉटम। तो इस तरह से ये एक बिल्कुल बेसिक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बताया है कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, बता सकते हो, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने कमिंग वीडियोस में। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे नैंड गेट होते हैं, एक्सोर गेट होते हैं, उनको हम नैंड, एक्सोर और नॉर गेट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लैडर लॉजिक की हेल्प से।
तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।